मैम दिस इज इंटरनेशनल स्कूल, हमें बच्चों का एडमिशन यहाँ इसलिए कराया है कि यहाँ बिग रेपुटेटेड फैमिलीज के बच्चे पढ़ते हैं। एक रेपुटेटेड है आपकी, हाँ मजदूरों को बच्चों को एडमिशन दे रहे हैं आप लोग। आपको बेटा को ये सिखाना चाहिए कि कोई भी काम है या भला नहीं होता, पीठ नहीं पड़ेगी तो नारा नहीं बनेगी। सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया एक दिलचस्प मोड़, जहां स्कूल की प्रिंसिपल ने मंगल के वकर होने पर उठाए सवाल। आप पहले बाहर जाइए, आपको बाद में बुलाया जाएगा। देखिए मिसेस सक्सेना, बात सिर्फ फीस और पैसों की नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमारे स्कूल का एक रेपुटेशन है, हम पेरेंट्स का स्टेटस उनकी पोजीशन देखकर बच्चों का एडमिशन करते हैं। हमारे बच्चों के पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, बड़े बड़े कंपनीज में सीईओ हैं, बैंकर्स हैं, आर्किटेक्चर्स हैं, सबका एक रेपुटेशन है। जी हाँ, स्कूल में जब बाकी बच्चों के पेरेंट्स को पता चला कि मंगल एक वर्कर है तो उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई। एक गोली उठा लेने से, चार पैसे कमा लेने से क्या क्या गलत किया मैंने, आप बताएंगे जरा? आप भी तो नौकरी करते हैं ना, पैसे कमाने के लिए करते हैं ना। जब सारी माँ यहाँ बैठी है तो फिर मैं बाहर क्यों बैठूं, वो भी तब जब सब मिलकर मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं। नाराज पेरेंट्स ने स्कूल में शिकायत की और कहा, अगर आप उसके बच्चे को स्कूल से नहीं निकालेंगे तो हम अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लेंगे, वकर के बच्चे के साथ हमारे बच्चों पर भी असर पड़ेगा। हमने हमारे बच्चों का एडमिशन यहाँ पर इसीलिए कराया है क्योंकि रेप्यूटेड फैमिलीज के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। We have some standards, और आपने यहाँ पर मजदूरों के बच्चों को एडमिशन दे दिया। इस बात से स्कूल की प्रिंसिपल परेशान हो गई और उसने मंगल को कॉल पर इस बारे में बात की। लेकिन मंगल ने दृढ़ता से जवाब दिया और कहा, इसमें क्या है, क्या मैं आपकी फीस नहीं भरती? क्या वकर के बच्चे को पढ़ने का हक नहीं है? मेरा बच्चा तो हमेशा फर्स्ट आता है, आपको हमारा समर्थन करना चाहिए। मैं तो पूरी फीस देती हूँ मैडम, जितनी ये लोग देते उतनी ही देती हूँ ना, क्योंकि मेरा बच्चा, मेरा अक्षर तो क्लास में टॉप भी करता है, फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? वही स्कूल की प्रिंसिपल मंगल की बात मानने को तैयार नहीं है। हाँ तो एक बहुत ही खूबसूरत सीन है जहाँ पे मंगल को प्रिंसिपल मैडम ने बुलाया है, बाकी सारे पेरेंट्स ये बोल रहे हैं प्रिंसिपल को कि बिकॉज हमें मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं तो हम अपने बच्चे को स्कूल से निकाल रहे हैं, नहीं तो आप उनको बोलिए कि स्कूल से निकाले बच्चे को। बेसिकली इनडायरेक्टली प्रेशर बना रहे हैं अक्षत को स्कूल से निकालने का, क्योंकि इससे पहले सीन में मंगल ने गोली उठाई थी और वो फोटोज जो है सौम्या ने क्लिक कर ली थी हलवाई की दुकान पे, और वो उसने किसी तरह पेन ड्राइव के जरिए पीएन को भेज दी और स्कूल में वो एक डोनेशन कैंप चल रहा होता है, उधर वो वीडियो चल जाती है। तो सारे बच्चों ने अक्षत की बहुत मजाक खिल्ली उड़ाई है और उसको बहुत कलेक्टफुल किया है कि तेतु तो मजदूर का बेटा है, मजदूर का बेटा, तो अक्षत भी स्कूल नहीं आना चाहता, वो भी ट्रामेटाइज हो गया है। तो यहाँ मंगल आके बोलते हैं कि हमें तो उल्टा ये तो स्कूल है, या तो आपको प्रिंसिपल मैडम सिखाना चाहिए बच्चों को, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, मेहनत से काम करना, ईमानदारी से काम करना बहुत ज़रूरी है, ना कि ज़्यादा पैसे कमाना। तो ये अगर ईंट नहीं पड़ेगी तो इमारत नहीं बनेगी, अगर मजदूर नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो मजदूरों को आप छोटा मत मानिए। मैंने भले ही मजदूरी की, पर क्या गलत काम किया मैंने, ऐसा कौन सा पाप कर दिया मैंने कि मेरे बच्चे का मजाक बना रहे हैं? तो ये बात जो कि बहुत रेलेवेंट बात है, उसने यही बोला है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, आपको खुद सिखाना चाहिए तो बच्चों को। आप उल्टा इस बात को शेयर दे रहे हैं, आप स्टेटस की बात कर रहे हैं कि आप यानी स्कूल में ये सिखाते हैं कि ये स्टेटस का है बच्चा और ये स्टेटस का नहीं है, तो इसका मतलब इसलिए आप मेरे बच्चे को निकाल रहे हैं। तो जो कि बहुत ही सुंदर डायलॉग लिखे हैं हमारे डायलॉग राइटर ने और बहुत ही सुंदर सीन लिखा है स्टोरी टेलर ने, और एवरीवन इज वर्किंग सो हार्ड, और मेरे डायरेक्टर ने बहुत जिस तरह का मुझे बोला कि इस तरह से मुझे चाहिए ये, आई वॉज डूइंग इट वेरी सबमिसिव, बट माई डायरेक्टर वॉन्टेड की नहीं मैं उससे सीधी बात करूँ बिकॉज ये बहुत ही रेलिवेंट बात है। तो जैसे मेरे डायरेक्टर ने करवाना चाहा, बिकॉज बहुत ही सुंदर निकला उस हिसाब से, बिकॉज ऑफ आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव अ फहीम सर एज अ डायरेक्टर। मैं तो डायलॉग्स याद करके आई थी, पर जिस तरह से, और मैं थोड़ा सा उसको सबमिसिव ले रही थी, बट सर ने जिस तरह से उसको सोचा, इमेजिन किया और मुझे बोला और फिर मैंने वैसा किया, मुझे वो करके बड़ा मजा आया। तो फाइनली इन ऑल वेरी इन वेरी क्विक टाइम वी गॉट अ वेरी गुड सीन, अच्छा सीन हुआ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपको बहुत अच्छा लगेगा।
वेल, अब देखना दिलचस्प होगा कि सीरियल की कहानी में आगे कौन सा नया मोड़ आएगा। तुम्हें ब्रेव रहना है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन अरविंद को क्या हो गया? जल्दी प्लीज। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आया दिलचस्प मोड़, जहां अभिरा और अरमान अपने बच्चे को गोद में लेकर घर में कदम रखते हैं। लेकिन कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब कोमा में पड़ी रूही के शरीर में अचानक हलचल होती है। पूरा परिवार उसे देखकर घबरा जाता है और दौड़कर उसके पास आता है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें फाइट करना है। कम ऑन रूही, सबकी सांसें थम जाती हैं और घबराए अभिरा और रोहित तुरंत डॉक्टर को बुलाते हैं। तुम्हें ब्रेव रहना है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें फाइट करना है। कम ऑन रूही, तुम्हें फाइट करना है। देखिए ना रूही को क्या हो गया, जल्दी प्लीज। डॉक्टर भाग के आए इधर। अरे डॉक्टर, देखिए ना रूही को क्या हो गया। डॉक्टर, आप सभी प्लीज बाहर जाइए। डॉक्टर उन्हें उम्मीद देते हुए बताते हैं कि कुछ घंटों में रूही होश में आ जाएगी। ये सुनकर पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। कहानी में हाई पॉइंट ड्रामा तब आता है जब रूही होश में आने के बाद मनीष जी उसे सच्चाई बताते हैं। रूही यह सब सुनकर टूट जाती है, उसका दिल बिखर जाता है। उसकी आंखों से बहते आंसू उसके दर्द को बयां कर देते हैं और पूरा परिवार उसकी इस हालत को देखकर बेबस खड़ा रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ अभिरा अपने बच्चे को पास में सुला देती है। अरमान भी उनके साथ सोने की कोशिश करता है लेकिन गिल्ट के कारण उसकी आंखों में नींद नहीं आती। अपने ख्यालों में उलझा अरमान जैसे खुद से ही लड़ रहा होता है। तभी अभिरा की नींद खुलती है और वह अरमान को सोने के लिए कहती है। आखिरकार दोनों अपने मासूम बच्चे पर हाथ रखकर सो जाते हैं, मानो उस नन्ही जान ने उनके टूटे हुए दिलों को सुकून का एहसास दिया हो। इस तरह कहानी में दर्द, प्यार और उम्मीद का संगम देखने को मिलता है, जो दर्शकों के दिलों को गहराई से छू जाता है। आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। क्यों है? भाई हम और अनुपमा के परिवार वाले हैं, तो वो हमारी मदद करेगी कि बाहर वालों की करेगी? अरे आप कौन से लोग इसे परिवार परिवार कर रहे हैं? अरे बच्चे आपस में दुश्मन। सीरियल अनुपमा में आया दिलचस्प मोड़, जहां अब बच्चे बड़े हो गए हैं और अब वे चाहते हैं कि वे आर्थिक रूप से परिवार की मदद करें। अरे ये सारी बातें बाद में हो जाएंगी, पहले बताओ रजिस्ट्रेशन हुआ या नहीं? जी हो गया है। गुजरात सुपरस्टार प्रतियोगिता होने वाली है और सभी बच्चे उसमें भाग लेना चाहते हैं। हाँ, बताइए ना, कौन होगा विनर गुजरात सुपरस्टार का? वही आद्य जो बचपन से अनुपमा के साथ कुछ गलत फहमियों में रही है, वह भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती है।
और जब वह अनुपमा से आशीर्वाद लेने जाती है तो उसे बाकी बच्चों की तरह ही अनुपमा से समर्थन मिलता है। इस कॉम्पिटिशन के वजह से सारे बच्चे आपस में दुश्मन बन रहे हैं। आज ही सभी बच्चों से कह के कॉम्पिटिशन का झंझट खत्म कर दीजिए। ना रहेगा कॉम्पिटिशन, ना होंगे झगड़े, ना बनेगा कोई किसी का दुश्मन। सब वही अनुपमा गुस्से में ओखली में मिर्ची कूट रही है। जानकी अनुपमा के गुस्से और इमोशंस को समझती है और वह अनुपमा को समझाती है कि एक माँ के भावनाएं क्या होती हैं और उन्हें कैसे कंट्रोल करना चाहिए। वहीं तोशु, पलक और किंजल अपने बच्चों की जीत के लिए आपस में लड़ते हैं, जबकि रही इस लड़ाई को एंजॉय करती है। अनुपमा सबको डांट लगाती है और सभी को शांत करने की कोशिश करती है। यस गीतू डार्लिंग, तुम्हारे पति ने तुम्हारी बहू की बात मानी। खैर ये तो होना ही था, आपकी बहू है ही इतनी कमाल। सीरियल सुमन इंदौरी में आया चौंकाने वाला ट्विस्ट, जहां सुमन ने चंद्रकांत जी की दुकान के सामने ही अपनी चाट की दुकान खोल ली और उद्घाटन के लिए चंद्रकांत जी को न्योता भी दे दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब देविका चंद्रकांत जी को ऐसा करने से मना कर देती है। वहीं सुमन चंद्रकांत जी को समझाते हुए कहती है, पिताजी हमारे चाट स्टॉल पर लोग आएंगे तो फिर आपकी दुकान पर भी जाएंगे, इससे हमारा ही फायदा होगा। देविका के मना करने के बावजूद चंद्रकांत जी सुमन के स्टॉल पर जाकर उसका उद्घाटन करते हैं। ये देखकर देविका नाराज हो जाती है। इसके बाद कहानी में नया मोड़ तब आता है जब चंद्रकांत जी के सुमन के स्टॉल का उद्घाटन करने के बाद वहां मौजूद भीड़ सुमन के स्टॉल से चाट खाने के बाद चंद्रकांत जी की दुकान पर खरीदारी के लिए पहुंचती है। इसे देखकर चंद्रकांत जी बेहद खुश होते हैं, जबकि देविका गुस्से में बुरी तरह जलभुन जाती है और सोचती है कि अब तक तीरथ ही सुमन के साथ था, अब तो पिताजी भी उसकी तरफ हो गए हैं। सुमन सभी को चाट खिलाते हुए कहती है, अब मेरी शादी हो गई है लेकिन ये चाट स्टॉल 24 घंटे जारी रहेगा, भले ही मैं यहाँ न रहूँ मेरे घर वाले इसे संभालते रहेंगे। इसी दौरान सुमन देविका को भी चाट खाने के लिए कहती है। देविका गुस्से में सुमन से चाट में मिर्च डालने को कहती है। सुमन मना करती है लेकिन देविका जबरदस्ती मिर्च डालने को कहती है। जैसे ही देविका चाट खाती है उसे तेज मिर्च लगती है और वह चाट फेंक कर वहां से जाने लगती है।
तभी तीरथ वहां आता है और पूछता है, क्या हुआ भाभी? जिस पर देविका गुस्से में कहती है, तुम्हारा चाट तुम ही खाओ। वेल, अब देखना दिलचस्प होगा कि इस ट्विस्ट के बाद कहानी में कौन सा नया मोड़ आएगा।